हेलो बच्चों, आप जिस जगह में रहते हैं, जिस एरिया में, वहाँ के सभी बच्चे क्या स्कूल जाते हैं? क्या कोई ऐसा बच्चा भी है वहाँ पर जो स्कूल नहीं जाता है? और अगर वो नहीं जा पाते हैं तो क्यों, क्या कारण है? क्या आपने जानने की कोशिश की कि वो बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा पाते हैं? तो चलिए, इस वीडियो में हम लोग उसी तरह के एक बच्चे राजू की कहानी हम लोग सुनेंगे जो किसी कारण से स्कूल नहीं जा पा रहा था, लेकिन इस कहानी के अंत में वो स्कूल जाने लगा। तो ऐसा क्या हुआ कि वो स्कूल नहीं जा रहा था, और फिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो स्कूल जाने लगा? तो चलिए, इस कहानी को हम लोग सुनते हैं जो आपके बुक के यूनिट 10 राजू गोस टू स्कूल में है। राजू की कहानी हम लोग सुनते हैं। राजू वॉज अ शेपर्ड। राजू एक चरवाहा था। चरवाहा यानी जो लोग भेड़ बकरियों को चराने ले जाते हैं, उन्हें चरवाहा कहते हैं, शेपर्ड। एवरी मॉर्निंग ही टुक हिज फॉक ऑफ शीप टू द जंगल। हर सुबह वो अपने भेड़ के झुंड को जंगल चराने के लिए ले जाता था। फॉक यानी झुंड, शीप के झुंड को फॉक कहते हैं। He sat under a tree to look after his sheep. वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता और अपने भेड़ों को देखता। He saw the village boys and girls going to school. वो देखता कि किस तरह से गांव के सभी लड़के और लड़कियां स्कूल जाया करते थे, और वो भी बैठ करके सोचा करता था, I wish I could go to school like them. काश मैं भी उन सभी बच्चों की तरह स्कूल जा पाता। तो राजू की भी इच्छा होती थी कि वो स्कूल जाए, लेकिन वो स्कूल नहीं जा पा रहा था। क्यों? फिर एक दिन क्या हुआ? वन डे अ गर्ल नेम्ड रेशमा नोटिस्ड राजू। फिर एक दिन एक लड़की जिसका नाम था रेशमा, उसने राजू को ध्यान दिया कि वो हर दिन यहाँ स्कूल के बाहर बैठा रहता है, लेकिन वो स्कूल नहीं आता है। तो रेशमा गई राजू के पास और उसने राजू से पूछा, फ्रेंड व्हाई डोंट यू गो टू स्कूल, दोस्त तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? तब राजू ने रेशमा को बताया। राजू वॉज सैड। ये सुनकर के राजू बहुत ही दुखी हो गया। ही टोल्ड अबाउट हिज फैमिलीज पुअर कंडीशन। तो उसने रेशमा को अपने परिवार की गरीबी स्थिति के बारे में बताया। उसने कहा, माय फादर इज़ वेरी पुअर। मेरे पिताजी बहुत गरीब हैं। ही कांट हेल्प मी टू गो टू स्कूल। वो मुझे स्कूल नहीं भेज सकते हैं। तो अब तक राजू ये सोच रहा था कि स्कूल जाने के लिए पैसे लगते हैं। क्या बच्चों स्कूल में एडमिशन के लिए, स्कूल जाने के लिए पैसे लगते हैं? आपको पता है ना, बिल्कुल नहीं। एजुकेशन इज़ फ्री। तो फिर उसके बाद रेशमा ने राजू से कहा, डोंट वरी, फिक्र मत करो, आई विल आस्क माई टीचर टू हेल्प यू। मैं अपने शिक्षक से बात करूंगी कि वो तुम्हारी मदद करे। यू कैन ऑल्सो कम टू स्कूल। तुम भी स्कूल आ सकते हो। देन नेक्स्ट मॉर्निंग राजू केम एंड सेट अंडर द ट्री एज यूजुअल। तो हमेशा की तरह अगली सुबह भी राजू आया और उसी पेड़ के नीचे वो बैठ गया। बट ही वेटेड फॉर हिज न्यू फ्रेंड। लेकिन वो अपनी नई फ्रेंड का, रेशमा का, इंतज़ार करने लगा। वेटेड यानी वो इंतज़ार कर रहा था। सडनली अचानक राजू फेल्ट अ सॉफ्ट टच ऑन हिज शोल्डर। राजू ने फील किया कि कोई बहुत ही प्यार से सॉफ्टली उसके कंधे पर हाथ रखा। He looked back. उसने पीछे मुड़कर देखा and saw a man smiling behind him. उसने देखा कि उसके पीछे एक आदमी मुस्कुरा रहा है। तो वे कौन थे? वे टीचर थे। उन्होंने कहा, राजू, my son, राजू मेरे बेटे, I am रेशमा's class teacher. मैं रेशमा का क्लास टीचर हूँ। She told me about you. उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया। I will talk to your father.
मैं तुम्हारे पिताजी से बात करूँगा कि तुम भी स्कूल आओ। देन रेशमास टीचर टॉक टू राजूज फादर सूरज। सूरज राजू के पिताजी का नाम था, तो रेशमा के क्लास टीचर ने सूरज जी से बात की कि राजू को भी स्कूल भेजें। तब राजू के पिताजी ने कहा, सर साहब, आई एम वेरी पुअर, मैं बहुत गरीब हूँ। आई कैनॉट बाई बुक्स एंड यूनिफॉर्म, मैं किताबें और स्कूल का यूनिफॉर्म ड्रेस नहीं खरीद सकता हूँ। राजू हेल्प्स मी इन माई वर्क टू, और उसके साथ साथ राजू भी मुझे मेरे काम में मदद करता है। तो इस बात पर शिक्षक ने कहा, एजुकेशन इज हिज राइट, एजुकेशन राजू का अधिकार है। एजुकेशन यानी शिक्षा। आप सभी बच्चे जो पढ़ रहे हैं, आप लोग वन क्लास से टू में आए, फिर टू से थ्री में जाएंगे, फिर धीरे धीरे आपका क्लास बढ़ता जाएगा। तो ये आपका अधिकार है, शिक्षा आपका अधिकार है। इसको लेने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। किसी भी कारण से किसी को भी शिक्षा लेने से नहीं रोका जा सकता है। ओके, इन द स्कूल राजू विल गेट बुक्स, यूनिफॉर्म एंड मिड डे मील। फिर टीचर ने कहा कि स्कूल में राजू को बुक्स यानी किताबें, यूनिफॉर्म, उसका स्कूल ड्रेस एंड दोपहर का खाना भी उसे स्कूल में प्रोवाइड किया जाएगा। तो बच्चों, आप सबको तो पता ही होगा, हमारे स्कूल में किताबें, कपड़े, मिड डे मील, यहाँ तक कि बैग, पेन, पेंसिल, इरेज़र, कटर, एवरीथिंग हम लोगों के स्कूल में ही अवेलेबल हो जाता है। सिर्फ ज़रूरत है आपके स्कूल तक आने की। आप स्कूल आइएगा, आपको पढ़ाई से संबंधित हर एक चीज़ स्कूल में ही उपलब्ध कराई जाएगी। फिर टीचर ने कहा, द स्कूल रन्स फ्रॉम 8 AM टू 2 PM। स्कूल का समय है सुबह के 8 बजे से दोपहर के 2 बजे तक। राजू कैन हेल्प यू आफ्टर दैट। राजू जो आपके काम में आपका मदद कर देता है, तो वो 2 बजे के बाद भी आपका मदद कर पाएगा। तो ये सारी बातें सुन करके सूरज जी ने सोचा कि ठीक है, राजू को मैं स्कूल भेजूँगा। देन सूरज एग्रीड टू सेंड राजू टू स्कूल। तो अब सूरज, राजू के पिताजी, राजू को स्कूल भेजने के लिए मान गए और राजू भी बहुत खुश हुआ। और अब उसने रेशमा से कहा, थैंक यू रेशमा, रेशमा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, यू मेड माई ड्रीम कम ट्रू, तुमने मेरा सपना पूरा किया। देन रेशमा ने कहा, वेलकम, लेट्स कम इन टू द क्लास रूम, तुम्हारा स्वागत है, आओ चलो हम लोग कक्षा में चलते हैं। तो बच्चों, ये थी कहानी राजू की, कि वो कुछ कारण से वो विद्यालय नहीं आ पा रहा था। उसकी प्रॉब्लम थी कि उसके पास पैसे नहीं हैं और वो अपने पापा का हेल्प करता था, है ना। लेकिन 2 बजे के बाद भी वो अपने पापा का मदद कर सकता है अब, और यहाँ तक कि स्कूल में एडमिशन के लिए, बुक्स के लिए, यूनिफॉर्म के लिए, किसी भी चीज़ के लिए हमारे सरकारी विद्यालय में पैसे नहीं लगते हैं। ओके, एजुकेशन इज़ योर राइट एंड एजुकेशन इज़ फ्री फॉर एवरीवन। तो ये थी कहानी राजू की। तो इस तरह के राजू आपके आसपास में बहुत होंगे बच्चों, तो आपको उन सभी राजू के लिए रेशमा आपको ही बनना है। आप उनको रेशमा की तरह ही आप उनको विद्यालय तक ले करके आएंगे, है ना बच्चों।